नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। रांची में अपनी मांगों को लेकर सीमा आवास को घेरने जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज किए जाने के खिलाफ मधुपुर में जेवीकेएसएस के नेता एवं पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी सिकंदर आलम के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन शहर के गांधी चौक पर किया। कार्यकर्ताओं ने कोट मोड़ अम्बेडकर चौक के पास से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए डालमियाकूप हटाया रोड होते हुए गांधी चौक पहुंचे और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। मौके पर नेता सिकंदरा ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार मजदूरों को मजदूरी देने के बजाय लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया जाता है। ये तानाशाही रवैया सरकार का नहीं चलेगा। आगे उन्होंने कहा है कि हमारे नेता टाइगर जयराम महतो द्वारा सहायक पुलिसकर्मियों को हक दिलाने के लिए समर्थन दिया जा रहा है, जिसे ये सरकार कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हम लगातार सहायक पुलिसकर्मियों के हक की लड़ाई में मरते दम तक साथ रहेंगे। मौके पर मिलन कुमार सेन, शहबाज खान, मीडिया प्रभारी उदय कुमार, मंडल आरती चौहान, गुलजार शेख, रवि पासवान, सिराज अंसारी, पवन मंडल, रितेश अग्रवाल, सनोज मंडल, नीरज झा, राजू सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। साया पुलिसकर्मी बने आए मिलना चाहिए, साया पुलिसकर्मी बने आए मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार हाय हाय, हाय हाय। और हमारा पुतला दहन करने का यही उद्देश्य रहा कि झारखंड सरकार जो हमारे ऊपर शोषण कर रही है, उसको लगाम लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे नेतृत्व करने को आगे बढ़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए जो पुलिस कर्मियों के साथ हो रहा है या हमारी जनता के साथ हो रहा है। उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको हम लोग एक गार्जियन के तौर पे हम लोग देखते हैं और वो एक गार्जियन के जगह पर है और उनको चाहिए था कि न्याय देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। न्याय देने के बजाय उन्होंने लाठीचार्ज करवाया है। ये कतई भी हम लोग को मंजूर नहीं है और हम लोग ये तानाशाही शासन नहीं सहे। जो कि आप लोग जान रहे हैं, पूरे झारखंड में 2500 सहायक पुलिसकर्मी है और 7 सालों से काम कर रही है, मगर इन लोग को 10,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ा, 10,000 से ज़्यादा वेतन नहीं बढ़ा। 2500 पुलिसकर्मी वहाँ लाठीचार्ज किया। हमारे देवेंद्र महतो जो है वो शांतिपूर्वक से 15 दिन से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जानबूझकर झारखंड सरकार की साजिश, हेमंत सोरेन साजिश करके उन्होंने जानलेवा हमला करवाया, लाठीचार्ज करवाया और 2500 हमारे जो सहायक पुलिस हैं झारखंड में, उन लोग को आज तक 7 साल में न्याय नहीं मिला। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 7 साल में झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन रही है। झारखंड सरकार को हम लोग इस तरह से मनमानी नहीं करने देंगे और जितने भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी हैं, हम लोग उन लोग न्याय के लिए, अगर हमारी जान भी जाती है तो जान दे के उन लोग को न्याय देंगे। और टाइगर जयराम दादा का ये उद्देश्य था, हम लोग जो पूरे 81 विधानसभा में हर जगह ये नारा लगाया है, जुलूस निकाला है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।